बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, दिवाली से पहले भी क्लीनिंग 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 और दिवाली के बाद भी कोई भी त्यौहार होता है उसके बाद भी, तो मैं नीचे का सारा काम निपटा के और ब्रेकफास्ट करके नहा धो के अपनी पूजा पाठ करके फिर आ रही हूँ ऊपर के फ्लोर में। यहाँ मैंने दोनों रूम की सफाई कर ली है, हॉल की भी कर ली है और अब मैं बाहर बालकनी में जाके दिखाती हूँ कि पटाखों को जलाने के बाद कितना धूल धूल कितने डस्ट हो जाती है। ऊपर छत में मैंने मतलब झाड़ू लगा के जितना भी पटाखों का कबाड़ा है, जबकि छत पे पटाखे नहीं जलाए, रोड में जलाए, लेकिन जो उड़ के जा रहा था ना, दिखाऊंगी मैं कितना धूल हो रखा है। तो रूम तो मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। चलिए अभी बाहर बालकनी दिखाती हूँ मैं, नीचे से कितना उड़ के आ रखा है, धूल ही धूल, डस्ट ही डस्ट, और इसलिए मैंने इसको चुन्नी को अच्छी तरह से लपेटा हुआ है। दिखाती हूँ बालकनी में। तो गई अंदर तो थोड़ा बारीक बारीक धूल था ना, तो नॉर्मली होता ही है हर जगह, लेकिन बाहर पटाखों का जो धूल है ना, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। इतना ये बालकनी का है भाई, इतना सारा कचरा। सीढ़ियां तो मैंने सूखी कर ली थी ना साफ। हालत क्या है, कैसे तुम्हें बता, यहाँ जबकि झाड़ू और पोछा लगा रखा था, ये भास छत से ना उड़ के आया होगा दरवाजे के नीचे से, देखिए मैंने साफ कर रखा था। चलते छत का कबाड़े उठा के लाते हैं। गए यहाँ पे हम, यहाँ से जो सामान लेना था हमने ले लिया है, हम अब आ गए हैं शॉप से बाहर और यहाँ पे सामान लोड हो रहा है, तो आपने देख ही लिया होगा क्योंकि सामान दिख रहा है, हमने सिर्फ सोफा लिया है। तो चलिए लोड कर रहे हैं गाड़ी, उसके बाद चलते हैं सीधे घर। घर में ले जाने के बाद जब रूम में लगा लेंगे तब उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो साथ ही साथ हम भी आगे थे गाड़ी के, तो चलिए आप आगे वीडियो में बने रहिएगा और जब हम घर पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर से। टाइम हो रहा है 3:07, 3:07 और अभी खा रहे हैं खाना। खाना बन रहा है कड़ी चावल चटनी सैलेड और कुछ बन रहे हैं पौधे की यानी कि मंडुए की रोटी। तो गाइज हम ये वाले सोफे लेके आए जो जिसको हम लेने के लिए गए थे शॉप पे, तो ये हमने घर में ला के लगा रखे हैं। और इसमें ना वीडियो में एक मतलब पता नहीं ग्रीन जैसे दिख रहे हैं, बल्कि ग्रीन नहीं है, ब्लू कलर में है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। तो लाने के बाद ये लगा लिया है और इसी को लेने गई थी, और जो मैंने डाइनिंग टेबल दिखाया है ना वो लिया नहीं, बस ऐसे ही देखने के लिए गई थी यार, लेने के लिए पैसे नहीं है अभी, इसीलिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, जैसे जैसे होंगे ना थोड़ा थोड़ा करके वैसे ही हर चीज़ का मैनेज करना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह घर के खर्चे सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए अभी सिर्फ सोफ़ा सेट ही लेके आए हैं।